नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छतरपुर में पुलिस की अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही। सिटी कोतवाली पुलिस की अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर में एसपी अमित सांघी के निर्देशन पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने अलग अलग जगह से अवैध हथियार रखने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर 8 अवैध हथियार एवं 8 कारतूस के जब्त, जिसकी कीमत 53,700 रुपए बताई जा रही है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने अवैध कारतूसों के स्रोत के संबंध में अभी और पूछताछ की जा रही है। सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश किया गया है। आइए जानते हैं एसपी अमित सांघी ने क्या कहा। सागर डिवीजन हेड गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। आज कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 अवैध हथियारों को जब्त किया है और इसमें जो मुख्य आरोपी है ये कांटी का रहने वाला है, जिसके पास से हथियार बरामद हुई है। यही जो है उत्तर प्रदेश के चरखारी, जो कि महोबा जिले में है, वहाँ से हथियार लाके और छतरपुर और आसपास के इलाकों में खपाया करता था। जब इस मुख्य आरोपी को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई, तब ये उन लोगों का पता चला जिन्होंने ये कट्टे खरीदे थे। तो अभी हमारे पास 8 ये बरामद हो गए हैं। जो मुख्य आरोपी है, इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, ये मर्डर के एक प्रकरण में जेल जा चुका है। इसके अलावा अन्य छोटे मोटे कई अपराध इसके ऊपर दर्ज हैं और अन्य जिन लोगों के पास से ये कट्टे बरामद हुए उन सभी का कहीं ना कहीं आपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपी कितने हैं सर? अभी एक मुख्य आरोपी है और इसके अलावा करीब 7 अन्य आरोपी हैं जिनके पास से कट्टे बरामद। सर, कट्टे कई बार पकड़े जाते हैं मगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ कट्टे। जैसा है मैंने बताया कि इस बार इसका सोर्स बिल्कुल क्लियर है, गांव भी क्लियर है, आदमी भी क्लियर है। टीम हमारी गई भी थी और चूंकि दूसरा प्रदेश है तो इस संबंध में वहाँ के पुलिस अधीक्षक को भी मेरे द्वारा बता दिया गया। इस प्रकार की कार्रवाई सर आगे भी जारी करेंगे? ये सब इंटल रहता है, अर्थात जब आसूचना या इस तरह की सूचना मिलती है उस पर थाना प्रभारी कार्य करते हैं तो ये सफलता मिलती है और सूचनाएं अपने स्तर पे ये लोग मेहनत करके निकालते हैं। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि ये कार्रवाई चले, क्योंकि इससे जो आपराधिक घटनाएं होती हैं अवैध हथियारों को लेके उन पे भी रोक लगती है और जो सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन जो है 2 माह पश्चात, उसमें भी निर्विघ्न संपन्न कराने में मदद मिलेगी।